ऑडियो लीक्स क्यों और किसने की? सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले आने को तैयार। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि चंद अरसा पहले बहुत सारी ऑडियोज लीक सामने आईं, जिसमें इमरान खान की साइफर के हवाले से हिकमत अमली बनाने की ऑडियो सामने आई। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की मरियम नवाज से उनके दामाद को पावर प्लांट के हवाले से फायदा पहुँचाने की ऑडियो भी मंजर आम पर आई। सीनियर सहाफी नदीम मलिक का मजीद कहना था कि कुछ ऑडियोज इनसे भी ज्यादा खतरनाक थीं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज और फैमिलीज के हवाले से ऑडियोज सामने आईं और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां 5 रुकनी बेंच में फैसला महफूज हो गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जजों पर ही एतराज उठा दिया क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस उमरदा बंदियाल की अपनी ही फैमिली की ऑडियोज का भी जिक्र था और बाद में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल अहसन पर भी एतराज सामने आ गया। सीनियर सहाफी नदीम मलिक ने कहा कि अगले हफ्ता चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी हफ्ता होगा और इसके बाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे, लिहाजा इस बात का काफी इम्कान है कि कल यानी जुमा को ऑडियो लीक्स और नैब तरामीम का फैसला आ जाए।